ये तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हैं, जहां उमरी चौक पर इकट्ठे हुए कच्चे कर्मचारियों ने जब मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कूच किया तो पुलिस प्रशासन ने उमरी चौक पर ही एक एक करके प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर जोर आजमाइश हुई। वीडियो लाइव है, लाइव लाइव है, लाइव लाइव है। दरअसल क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मूल वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी। बीते दिनों हरियाणा के कई जिलों में कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल भी की थी और आज कर्मचारियों को करनाल से चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास तक पैदल मार्च करना था और सीएम आवास पर ही पड़ाव डालना था। मगर इस दौरान जब कर्मचारियों को भनक लगी कि आज कुरुक्षेत्र में ही सीएम नायब सैनी का कार्यक्रम है तो सुबह ही कर्मचारी उमरी चौक पर इकट्ठा हो गए और कुरुक्षेत्र स्थित सीएम आवास का घेराव करने के लिए ऐलान कर दिया। ऐसे में जब उमरी चौक से कर्मचारी सीएम आवास को घेरने निकले तो मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जाति की जा रही है। आप सभी साथी जो भी नजदीक है वो जल्दी से जल्दी कुरुक्षेत्र पहुंचे, सेक्टर 3 के अंदर। जब तक आप आते हो हम गिरफ्तारियां दे चुके होंगे। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, अगर सरकार आज भी नहीं मांगती है तो हम चंडीगढ़ मार्च करेंगे और आज चंडीगढ़ कब मार्च करेंगे, किस टाइम मार्च करेंगे वो आप सभी को बता दिया जाएगा। और ये ध्यान रखो, जिन साथियों ने जाति की है, जिन्होंने आपके यूनियन के पदाधिकारियों का कॉलर पकड़े हैं, उनके नाम आपको दे दिए गए हैं। आप उनके नाम से ट्विटर पे हर जगह में वीडियो वायरल करें और साथियों को बताएं कि आपके साथियों के साथ नाइंसाफी करने वाले कौन है और उनको ये अधिकार किसने दिया है। बता दें कि कर्मचारी पिछले कई दिनों से मूल वेतन में बढ़ोतरी समेत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी लगातार हड़ताल और धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, मगर अभी सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों का रोष बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोहर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।